बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है कोई बात नहीं ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की वो इस चैनल पर मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको नाउ लेट स्टार्ट अच्छा दीपक भाई अभी तुम ट्वेंटी एज के हुए हो तो ये बीस साल की एक्सपीरियंस में तुम्हारा तुमको लगता सबसे प्राउडेस्ट अचीवमेंट सबसे बड़ी अचीवमेंट तुम्हारे लिए क्या थी आई मेट संदीप सर संदीप माहेश्वरी सर आई मेट हर्षवर्धन सर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए एंड अचीवमेंट नहीं जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ की अपने सबसे बड़े फियर पे मैंने जब अपने काबू पाया पब्लिक स्पीकिंग का जब मैंने अपना फर्स्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार किया इंदौर में वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था एंड uh, एक कंडीशन अपनी बदली वो एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था फैमिली मतलब हम रेंट पर रह, रह रहे थे घर पर और पापा मम्मी का सपना था कि हमें खुद के घर में रहें भले छोटा हो कैसा भी हो रहे लेकिन तो वो हमने यूट्यूब मनी से बनाया बहुत अच्छा घर बनाया एंड उनमें रह रहे ड्रीम हाउस एक तरह उनके लिए लिया नहीं हमने बनाया खुद ही प्लॉट लेके हम खुद अब खुद से पूरा स्ट्रक्चर किया खुद बनाया तो हाँ तो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था एंड वो सबसे बड़े अचीवमेंट से कुछ ये यार घर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरे लिए भी घर हाँ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मोटिवेटर मोटिवेशन फैक्टर था हाँ। मैं भी ना मतलब चौल में रहा हूँ अच्छा, तो मेरे अच्छा। लिए ना चौल से निकल के बिल्डिंग में जाना एक सपना था और आई थिंक वो वो चीज़ ने कहीं ना कहीं मुझे बहुत पुश भी किया कि कुछ एक्स्ट्रा करो यूट्यूब पे करूं। करूं। करो मतलब थोड़ा रिस्क लो ऐसी तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसी होता है बिल्कुल हुआ, हुआ मेरा था कि यार ये एवरेज लाइफ चल रही है इट्स ओके पर कुछ ना कुछ करना है इससे बाहर निकलना है थोड़ी एवरेज सुपर लाइफ जीनी है जीनी है तो वो कुछ करने की बार बार आता है मन में कुछ बड़ा करना कुछ बड़ा करना जल्दी करना है यार निकलना है इनसे तो फिर माइंड में कुछ ना कुछ क्लिक कर ही जाता है तो एक अचीवमेंट ये भी है कि सिक्सटीन से लेकर के तो मतलब इतनी कम एज में अभी राइट नाउ हो ट्वेंटी तक वन सी मैंने क्रॉस किया है ओके okay, तो यूट्यूब से सोलह साल की एज से स्टार्ट तीन, साल, साल का से आर, थीन, थीन, कर दिया बहुत exactly, right. हाँ, बड़ा है ड्रीम मतलब okay. अमाउंट होता है लोगों का है। वो कैसे किया हाँ, हम ये पॉडकास्ट में वही डिटेल में बात पता ही जाएगा तो सबने स्टार्ट कब किया था सोलह साल की एज से हाँ जब इलेवंथ क्लास में था जब मेरी एज थी सिक्सटीन ईयर तब मैंने स्टार्ट किया था मैं था कि यार कुछ ना कुछ ऑनलाइन अर्निंग करते हैं कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ तो करते हैं मतलब बाद में हम करेंगे ठीक है ट्वेल्थ बाद कुछ होगा लेकिन उसकी तैयारी तो अभी से कर सकते हैं ना अगर बाद में कुछ कॉम्पिटेशन एग्जाम क्रेक भी करनी तो प्रिपरेशन अभी से कर सकते हैं टाइम है एक्स्ट्रा तुम तो चलो वो छोड़ो लेकिन अभी मेरे को थोड़ा अर्निंग भी करनी हो क्या आ सकता है सोशल मीडिया पे मैं यूट्यूब मेरा वन ऑफ दी फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था बाकी मैं यूज भी नहीं करता था यूट्यूब फेवरेट था तो यूट्यूब में एकदम से मैं माइंड में क्लिक किया कि यूट्यूब है इसमें आप स्टार्ट करो अब कई बार क्या होता है थॉट आता है माइंड में थॉट आता है एक बार निकल जाता है कई बार थोड़ा टाइम मेरा मैंने स्टार्ट नहीं किया एक दिन रुका दो दिन रुका दस दिन रुका पंद्रह दिन रुका वो जो पावर थी वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बढ़ती गई। और इतनी बढ़ गई कि अब तो माइंड से हट ही नहीं रही है वो चीज फिर मैंने स्टार्ट किया ओके okay. और जब स्टार्ट किया तो फिर यही था कि जो वीडियो चलते हैं बनाते हैं जिन पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं अपने भी आ जाएंगे तुरंत लगा मुझे तो हाँ। एक वीडियो डाला दो डाले फिर समझ में आ गया कि भाई ये नहीं होता ओके जिसमें अपना इंटरेस्ट है उसी में बनाओ धीरे धीरे फ्री ग्रो होते हैं अच्छा तो इसका मतलब सार यही निकला कि यार जो चल रहा है मतलब दूसरों को देख के मत बना बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल तुमने भी नहीं। मतलब कैसे क्रैक कैसे किया कि यार ये टॉपिक पर वीडियो बनाने चाहिए जो नीच मैंने अपना कैसे सेलेक्ट किया मेरा जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट मोटिवेशन में सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत था पहले से। आपका कंटेंट गीगल एक चैनल है उनका कंटेंट बहुत देखता संदीप माहेश्वरी सर हो गए विवेक विवेकिंद्र सर हो गए इनका कंटेंट सबसे ज्यादा मैं यही कंज्यूम करता था तो ऑब्वियसली मेरा जो मेन फोकस इसी में टेक में, में मेरा इंटरेस्ट नहीं है ना ही नॉलेज है फैक्ट एक अलग कैटेगरी पे तो उसको इतना माइंड में आया नहीं उसके अलावा फिर बाकी फाइनेंस किसी चीज में नॉलेज नहीं सोलह साल का बच्चा हूँ एक तरह से तो किसी चीज का नॉलेज नहीं था तो वही एक चीज थी एंड उसी में लग रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें मेरा नॉलेज बहुत कंज्यूम किया है बहुत नॉलेज है मतलब दो तीन साल से महात्मा टेक्निकल का